बात कर रहे हैं अंगूरलता की, जो कि डेका असम की मशहूर अभिनेत्री होने के साथ ही भाजपा की राजनेता भी हैं। वे 2015 में भाजपा में शामिल हुई थी और वो असम के बटद्रोबा क्षेत्र से भाजपा का प्रतिनिधित्व करती हैं। आइए उनके बारे में और भी बातें जानते हैं। अंगूरलता उन 6 महिला उम्मीदवारों में से एक है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए थे, जिनमें से केवल 2 ही चुनाव जीत सकी थी और अंगूरलता उनमें से एक है। अंगूरलता असम विधानसभा की पहली महिला सदस्य हैं। अंगूरलता ने 2017 में विधानसभा में एक अलग ही मांग रखी। उन्होंने विधानसभा में एक फीडिंग रूम बनवाने पर जोर दिया था, जिससे वे काफी चर्चा का विषय बन गई थी। भाजपा हमेशा से चर्चित चेहरों को टिकट देने में कभी पीछे नहीं रहती है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कई फिल्मी सितारों को टिकट दिया, इनमें हेमा मालिनी, किरण खेर व कई अन्य फिल्मी सितारे शामिल हैं। ऐसे में असम की प्रसिद्ध अभिनेत्री अंगूरलता को टिकट देकर भाजपा ने असम क्षेत्र के आधार को मजबूत कर लिया है। अंगूरलता असम के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वे अभिनय के साथ ही फिल्में डायरेक्ट भी करती हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्हें काफी लोगों ने ट्रोल किया और इसकी वजह उनकी सुंदरता है, जिसमें राम गोपाल वर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने अंगूरलता का राजनीति में स्वागत करते हुए ट्वीट कर लिखा, यदि MLA ऐसे दिखने लगे तो समझो राजनीति में अच्छे दिन आ गए। थैंक यू अंगूरलता जी, थैंक यू मोदी जी, पहली बार मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।